से मोटी की नहीं बदिया इस लैट के इस टेस्ट की फीस है 19,000 रुपए, बट अगर आपको सेम डे में रिजल्ट चाहिए तो यू नीड टू पे 100,000 रुपीज एक्स्ट्रा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत मज़े में हैं। बहुत ही खूबसूरत कराची की एक सुबह, दिन क्या है, 26 सितंबर, जुमेरात, बस यही काफ़ी है, 2024। तो इतना एनर्जेटिक सुबह ही सुबह मूड कैसे हुआ? बड़ी मुश्किल से हुआ, इसलिए मुझे शदीद नींद आ रही है और मैं रात में देर से सोया था। रात में था मैं बच्चों के साथ अपने इन लॉज में, खाला के घर। लेकिन आज का दिन है भाई बहुत ही कोई स्पेशल, और मैं आज जितना जल्दी निकलना चाह रहा था उतना देर हो गई मुझे। रास्ते में मुझे एटीएम जाना था, फिर मुझे ट्रैफिक जाम मिला, मुझे अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ा, और इस वक्त मैं आ गया हूँ, किधर आ गया हूँ मैं इस वक्त आ गया हूँ गुलिस्तान जौहर पे, और मैं जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट काम करवाने। अब वो क्या है, लेट्स वॉच इट। अच्छा भाई, तो वो इम्पोर्टेंट काम है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट काम ये है कि मेरी आ गई है मेडिकल कॉल कल शाम में। कल रात में मुझे ईमेल आई कि आप जाके अपना मेडिकल असेसमेंट करा लें। अब ये मेडिकल कॉल क्यों है, तो आप लोग को बताइए कि मेरा एक सिलसिला चल रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का, KSA यानी सऊदी अरेबिया के अंदर, और उसके लिए बहुत सारे प्रीरिक्विजिट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरिफिकेशन है, अटेस्टेशन है, वो क्या क्या लॉन्ग स्टोरी है वो मैं आपको बताऊँगा अलग व्लॉग के अंदर, ताकि जो लोग मेरे बाद ये कोई भी अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की अवेल कर रहे हैं उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्योंकि मुझे तो बहुत आसानी हुई, तला रिसेंटली किया था, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन सारी कराई भी थी, उस बेचारे को कोई गाइडेंस नहीं थी, वो भाग दौड़ करता था हर स्टेप के ऊपर, मगर मैंने वो सारे काम हर स्टेप से पहले ही करा लिए डॉक्यूमेंट्स के, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के। तो खैर वो एक अलग स्टोरी है, मैं आपको अलग व्लॉग में बताऊँगा। मगर अभी मैं जा रहा हूँ PCHS ब्लॉक 6 में, इनका मेडिकल सेंटर है। इनके मेडिकल सेंटर बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मेरी मेडिकल कॉल की बुकिंग जो आई है वो आई है PCHS ब्लॉक 6 में, ताज मेडिकल हेल्थ सर्विस। तो सुबह ही सुबह तलाने मुझे जल्दी चले जाना, और मैं लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ वहाँ, मुझे पहुँचना था 7:30 तक, मगर इस वक्त हो रहा है 7:45। खैर जाके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है। सो चलते हैं। मैं आ गया हूँ सुबह सुबह 8 बजे ताज मेडिकल सेंटर, और यहाँ कोई भी नहीं है, अभी लोग भी नहीं है और स्टाफ भी नहीं है जो टोकन इशू कर सके। बट पहले आने का फ़ायदा था, आने का था ये होगा कि तुम्हारा जल्दी सारा काम हो जाएगा, और मैं वेट कर रहा हूँ कि गेट खुले और मुझे गार्ड आके टोकन दे। मेरे पास इनका अपॉइंटमेंट लेटर तो है जो मेरे वीज़ा टीम ने हासिल किया था, इनके लिए अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो गाड़ी की पार्किंग इस गली में ज़रा मसला है, यहाँ बहुत ट्रैफिक है, बट सुबह आने का शायद मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। इस गेट से टोकन मिलेगा बज़ाहिर, सेटअप लग गया है यहाँ पे, टोकन आ गए हैं, और टोकन के साथ साथ बाबा जी भी आ गए, वो स्लिप देख के मुझे टोकन देंगे मेरा। ले भैया, तो हो गया सीन, मैं सुबह ही सुबह के खड़ा हो गया, बाबा जी आए, उन्होंने टोकन देना शुरू करिए मुझसे, टोकन देना शुरू करे मुझसे, उन्होंने कहा कि भाई ला के दिखाओ अपना लेटर। मैंने लेटर दिखाया तो कह रहे तुम गलत आ गए हो, अब तुम इस ब्लॉक के बजाय अल्लाह वाली चौरंगी सिंह नर्सरी से घूम के वापस जाओ और अक्रॉस द रोड जाना। तो गूगल ने मुझे किया मिस गाइड, अब मुझे ढूंढनी नई डेस्टिनेशन, टाइम वैसे इतना शॉर्ट है, वहाँ रश ना लग जाए, मैं भाग के जा रहा हूँ दूसरी मेडिकल सेंटर फैसिलिटी ढूंढने। अगेन भागते दौड़ते फॉर्च्यून टावर तो पहुँच गया हूँ, अब यहाँ जाके चेक करता हूँ कि जाना किधर है। फाइनली आई रीच माई डेस्टिनेशन, और मैं वेट कर रहा हूँ कि सेंटर खुले और मैं अंदर जाऊँ। मेडिकल कर कर आके फारिग होकर ऑफिस आ गया, और ऑफिस आके मैं बहुत डिस्टर्ब और बहुत स्ट्रेस हूँ, इसलिए कि मेरे सामने 2 केसेस पड़े हुए थे जिनके SGPT के रिजल्ट बहुत एबनॉर्मली हाई थे, और मेरा अपना ये इशू है, आई डोंट नो होने क्या जा रहा है। बट 4 बजे बुलाया, 4 बजे जाके पता चलेगा होगा क्या। मैं कह यार अगर किसी का रिजल्ट ख़राब आ जाए तो क्या करते हैं, तो कहने लगे फिर हम उसको होल्ड कर लेते हैं, मेडिसिन देते हैं, चेकअप कराते हैं, अनफिट का सर्टिफिकेट फ़ौरन नहीं देता अनलेस कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेट्स सी, घड़ी में बज रहे हैं 4 और टाइम हो गया है रिपोर्ट कलेक्ट करने जाने का, और मैं आ गया हूँ गाड़ी में। थोड़ा सा घबराहट हो रही है, बस ज़रा सी परेशानी तो नहीं हो रही है, घबराहट ये हो रही है कि यार एक दफ़ा में क्लियर हो जाए तो अच्छा है, रीटेस्ट ना करना पड़े, वरना उसने कहा था कि रीटेस्ट का ऑप्शन होता है, हम टेस्ट करेंगे क्या करेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो क्या करेंगे। तो अगेन एक रिज़ल्ट जैसे इंतजार आ रहा है मुझे, और फीलिंग भी वैसी आ रही है जैसे मेरा रिजल्ट आने वाला है। लेट्स सी चलते हैं होता क्या है, अल्लाह का एक दफ़ा में क्लियर हो जाए, रिटेस्ट ना कराना पड़े। इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देना ही भूल गया, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इस टेस्ट की फीस है 19,000 रुपये, बट अगर आपको सेम डे में रिजल्ट चाहिए तो यू नीड टू पे 100,000 रुपीज एक्स्ट्रा, और 1,000 रुपये देकर आप उसे सेम डे में रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैंने कहा यार 20 ले ले, आज ही रिजल्ट दे दे मेरा। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, एंड इट इज स्वेट, अल्लाह
सर बिल्कुल फिट रिपोर्ट आ गई, आई एम ग्लैड। आगे देखे क्या होता है, बट फिलहाल तो फिट की रिपोर्ट आ गई, आई एम एक्साइटेड। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो ये था मेरा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा दिन, जो कि एंड बहुत अच्छा हुआ। और अब मैं आ गया हूँ घर, और घर आके मैं लौट रहा हूँ अपनी पांचवीं औलाद से, जिसकी पाऊँ आप देख रहे मुन्ने मुन्ने से माऊँ इनके हैं। और ये कौन है ये मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा जब ये बड़ों के मेरे पास आ जाएगी। KSA सो जैसे अरे इसे पॉटी ही नहीं बदिया, मैंने प्यार कर लिया इसकी पॉटी पे। ये था हमारा आज का व्लॉग, सी यू अनदर टाइम। लाइक एंड सब्सक्राइब इन दिस चैनल। ओके।